101% सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी वहीं से मैंने एजुकेशन ली है, तो इवन हॉस्टलर्स इवन बाहर से आके उनके पेरेंट्स इतना सेफ फील करते हैं कि उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। इवन डे स्कॉलर्स कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि यहाँ पे इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे का करेक्टर है वो अच्छा इम्प्रूव हो। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट आई में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है जो डेरा का रियल फैक्ट। काफ़ी जो खबरें हैं आपने देखी हैं मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, मगर अब हम रियल व्यक्तिगत रूप से आपके सामने लोगों को लाएंगे और जानेंगे कि आखिर डेरा सच्चा सौदा के साथ जो जर्नी है उनकी वो किस तरीके से थी। लड़कियां वहां पे कितनी सेफ़ हैं, लड़कियां खुद बताएंगी आपको कि हम कितने सेफ़ हैं। लगातार और बता भी रहे हैं, ऐसी कितनी वीडियोस के माध्यम से बता रहे हैं, और कोशिश यही है कि जो गुरुजी के 6 करोड़ फॉलोवर्स हैं उनके माध्यम से, और जो कुछ लोग नॉन डिवोटीज़ भी हैं वो भी जाते हैं वहाँ पे और वो भी इन्वायरमेंट जो है उसका बिल्कुल बयान करते हैं और बयान दर्ज करवाते हैं। ऐसी ही एक छात्रा के साथ, मतलब एक स्टूडेंट, अच्छी यूथ है वो जुड़ी हुई है वहाँ से, हमारे साथ जुड़ी हैं। आज जानते हैं कि आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परवेश। क्वालिफिकेशन क्या है? एमकॉम। आप एमकॉम कर रहे हो, काफ़ी क्वालिफाइड हो, उसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा जैसी जगह पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हमें अच्छे मिलते हैं, मीन्स पॉजिटिव एनर्जी है, और यही है कि इवन हम बाहर जाके भी हमें ये लगता है कि जहाँ यहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी है आई थिंक सो वो बाहर कहीं पे भी नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे बेस्ट जो शिक्षा हमें मिलती है पॉजिटिविटी के साथ, ट्रूथ एंड सब कुछ, तो वो बाहर कहीं पे भी है ही नहीं वो चीज़, तो इसलिए यहाँ पे आके इतना अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। गुरुजी का जो कैरेक्टर है उसको किस तरीके से डिफाइन करोगे? उनका कैरेक्टर आई थिंक सो उन जैसे कोई आई थिंक सो हो ही नहीं सकते हैं। उनकी ही शिक्षा, मतलब वो हमें इतना गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़, इवन हमारा करेक्टर इतना इम्प्रूव करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। हम इवन बेटी हैं तो हमें गाइड करते हैं कि बेटा आपको हर चीज़ के लिए, कि आपको कैसे आगे स्टडी के लिए, इवन आपको करेक्टर कैसा रखना चाहिए, तो आई थिंक सो उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। काफ़ी मीडिया में खबरें उड़ाई गई और काफ़ी अफवाहें भी आपने सुनी होंगी, क्या कहना चाहोगे कितनी जो प्रतिशत सच्चाई थी डेरा के बारे में जो भी मीडिया की सुर्खियों में रहा था? 1% भी सच नहीं, इवन 0%, क्योंकि आई थिंक सो मैं यहाँ पे डेरे वाले स्कूल में पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कि ऐसी कुछ भी नहीं है जो भी टीवी, मतलब मीडिया ने फैलाई है, 1% भी सच नहीं है, क्योंकि मैं खुद यहाँ के स्टूडेंट हूँ। इवन आई थिंक सो नर्सरी टू प्लस टू मैंने वहीं पर की है, तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन हॉस्टलर्स सेफ थे, डे स्कॉलर सेफ थे, हर कोई बच्चा वहाँ पे सेफ फील करता था, ऐसी कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। जो गुफा का राज है, आप कह रहे हो आप वहाँ के स्कूल में पढ़े हो, इसलिए जनता जो जानना चाहती है सबसे मेन जो क्वेश्चन है, हालांकि अभी ये क्वेश्चन बंद हो चुका है मगर फिर भी इसका जवाब जानना चाहेगी जनता कि गुफा का राज आखिर क्या था? गुफा मीन्स सत्य, मतलब तेरावास, मतलब गुफा वो गुफा नहीं होती है जो जहाँ पे ऐसे कुछ गलत काम होते हो, गुफा मतलब एक छोटा सा जहाँ पे पिताजी रहते हैं उसे गुफा का नाम दिया गया। वहाँ पे इवन मीटिंग्स मीन्स वहाँ पे सारे जो भी सेवा करते हैं वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे सेवा के लिए आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप सेवा करो, आपको खुशियाँ मिलेंगी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे काम करो दुनिया में जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मीडिया में फैलाया गया। गुफा मतलब एक जहाँ पे पिताजी रहते हैं वो एक घर है बस। किस तरीके की जो सेवाएं करते हो आप, कह रहे हो कि मीटिंग करते थे हम, सेवाएं करते थे, किस तरीके की सेवा? सेवा यही है कि कोई किसका घर बनाना, मीन्स जो गरीब हैं वो अपना घर नहीं बना सकते हैं, उनका घर बनाना, जो बच्चे जिनके पास खेलने को, मतलब खेल नहीं सकते, जिनके पास कुछ है नहीं, तो उनको वही टॉय वगैरह देना। इवन जो नीडी पीपल हैं जिनके पास पहनने को नहीं है, तो वो नीडी पीपल को कपड़े वपड़े देना एंड उनकी हर तरह से हेल्प करना। तो इवन प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, अगर क्योंकि वो प्रेग्नेंट लेडी अगर बच्चा अच्छा नहीं होगा, मतलब तो वो
जो गरीब होते हैं उनको खाना देना कि वो प्रेग्नेंट लेडी अच्छे से खाना वगैरह दे के एक सेहत बच्चे को जन्म दे, तो ये सब चीज़ें, इवन करेक्टर को इम्प्रूव करना, मांस अंडा नहीं खाना, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है ताकि दुनिया में जाके लोग अच्छे काम करें, शराब ना पीना, ये सब चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि सबको करना चाहिए ये चीज़ें। अपने गुरु पे आपका जो विश्वास है कितना है? आई थिंक सो बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा विश्वास है। मगर मीडिया में जो आरोप लगाए गए हैं और जो गुरुजी पे जो एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में क्या कहो? 1% भी सच नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आई थिंक सो दुनिया को आके यहाँ पे देखना चाहिए कि उस चीज़ को, जो मीडिया की बातों पे मुझे नहीं लगता कि विश्वास करके हमें आगे इस चीज़ को फैलाना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा होता है। नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, इवन खुद आके वो चीज़ देखो कि आप आओ सच जानो और फिर आप देखो कि यहाँ इवन जो अच्छे यहाँ पे काम होते हैं आप भी उनसे सीखो कि हमें भी ये चीज़ करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब आएँ देखें और जो अच्छे काम यहाँ पे लोग करते हैं खुद भी उस चीज़ को मोटिवेट करें अपने आप को और वो चीज़ करें। अच्छा, जनता जो है एक सवाल जानना चाहती है, काफ़ी लोगों के मन में सवाल है कि जो लड़कियां हैं डेरे के अंदर, और आप भी स्कूल्स के वहां से स्कूल के से पढ़े हो, काफ़ी जो उनके सिक्योरिटी पे सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क है, जनता उसका आंसर जानना चाहती है कि कितनी जो लड़कियां हैं वहां पर कितनी परसेंट सेफ है? 101% सेफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी वहीं से मैंने एजुकेशन ली है, तो इवन होस्टलर्स इवन बाहर से आके उनके पेरेंट्स इतना सेफ फील करते हैं कि उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। इवन डे स्कॉलर्स कई ऐसे पेरेंट्स हैं कि यहाँ पे इसीलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे का करेक्टर है वो अच्छा इम्प्रूव हो और वो सच्चाई के अच्छे रास्ते पे चले। तो ऐसी कोई बात है ही नहीं कि बिल्कुल ऐसी कोई जो अफवाह फैला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बहुत गर्ल्स 101% सेफ है, ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है। क्या लगता है आपको, गुरुजी को समाज में आना चाहिए? यस, आना चाहिए ताकि लोग सुधरें और अच्छा काम करें, आना चाहिए उनको। ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुरुजी समाज में नहीं है तो क्या कहना चाहोगे आप, कितनी जो प्रतिशत बुराइयां हैं वो बढ़ चुकी हैं? इवन जब पिताजी यहाँ पे थे तो सब ऐसे लगता था कि सेफ है, और अब हैं सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें लोग अपना रहे हैं, बट ये है कि एक हमें हम भटक जाते हैं अपने मन से। तो हमें ये है कि वो आए और जो दुनिया सुधरी नहीं है इवन उनको भी सुधारे। हम सुधर चुके हैं तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो दुनिया है वो भी सुधरे, जिनको जो नहीं जानते हैं वो भी जाने डेरे के बारे में, तो उनकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दुनिया को। अच्छा, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी। किस तरीके की फोर्स थी, किस तरीके से कार्य करते? ये वही है, अगर ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स वो है कि जहाँ पे आग लग जाए उनको बचाती है, जहाँ पे कोई डूब जाए उनको बचाती है, ये फोर्स हेल्प करती है। इवन ये एक ऐसी फोर्स है जो कि विदाउट पे काम करती है, 24 आवर्स अवेलेबल रहती है, जहाँ पे भी किसी को ज़रूरत पड़ती है हर काम में वो हेल्प करते हैं। तो इनका काम यही है कि 24 आवर्स विदाउट पे ये काम करते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करने चाहेंगे कि हमारे गुरुजी को जल्दी से छोड़ें और ताकि दुनिया सुधरे और अच्छे काम कर सके। महिलाओं के लिए गुरुजी ने क्या किया? महिलाओं के लिए आई थिंक सो पिताजी बेटियों के लिए बहुत कुछ करते थे। इवन ये कहते थे कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, और रियली में कम भी नहीं है। जो बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां करके दिखाती हैं हर फील्ड में, हर उसमें। तो वो हमेशा उनको मोटिवेट करते थे कि बेटा आपको अच्छा बनना है, समाज में जाके आपको सुधारना है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। जो लोग डेरा फॉलोवर्स को अंधभक्त कहते हैं, मीडिया के माध्यम से काफ़ी कुछ उन्होंने देखा हुआ है, क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे उनको वीडियो के माध्यम से अपने? मैं यही कहूँगी कि अंधभक्त नहीं है, अगर हमें हम आई थिंक सो इतने एजुकेटेड हैं कि हमें अच्छी और बुरी चीज़ का पता है, तो हम उस चीज़ को जान के यहाँ पे देखें कि क्या सही है क्या गलत है, और फिर देखें कि बाहर जाके वो चीज़ देखें कि बाहर लोग कैसे करते हैं और यहाँ पे लोग बच्चे या स्टूडेंट या जो भी मेल फीमेल एंड वो कैसे हैं, तो उस चीज़ को देख के आप
फिर जानोगे कि यहाँ पे ऐसी कुछ भी बुराई नहीं, इवन पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिविटी बहुत है, आपको आगे इतना अच्छा फील होगा कि आई थिंक सो कहीं पे भी जाके फील नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे साथ जुड़े। जैसा कि आपने जाना, ये जो डेरेक का स्कूल है काफ़ी सुर्खियों में रहा होगा, सबको पता है कि काफ़ी सुर्खियों में था। ये उसी की एक छात्रा रह चुकी हैं और इनका जो मानना है, गुरुजी जो कैरेक्टर बच्चों का इम्प्रूव करते थे शायद ही कहीं करते हो। नॉन डिवोटीज जो डेरा फॉलोअर्स नहीं हैं वो भी वहाँ के स्कूल में अपने बच्चों को डालते थे ताकि उनका जो कैरेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके। तो लगातार इतने लोगों का एक ही बात कहना, कुछ तो सच्चाई होगी उसमें। मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबरें सुनना बंद करिए और जो लोग व्यक्तिगत रूप से सामने आते हैं उनकी बात सुनिए और आके एक बार यहाँ पे देखिए कि क्या एनवायरनमेंट है, आके जानिए परखिए, उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।